हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आज हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इसे को हम लोग बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें क्या होता है, पांच रेजिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस कुछ एस टी मान लिया इसको, है ना, और इस तरीके से अरेंज है। तो वीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर इस टाइप का कोई भी अरेंज मिलता है अपने को, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें चार रेजिस्टेंस जो होते हैं। देखिए, वीट स्टोन ब्रिज दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिज है ना, ये देखिए एक ब्रिज है, ये गैल्वेनोमीटर है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज में करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर इस ब्रिज में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जो वीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, करंट जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट गया आई वन और यहाँ से करंट गया आई टू। अब अगर इसमें करंट जीरो है, इस ब्रिज वाले में, इस ब्रिज वाले सेक्शन में अगर करंट की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है, तो फिर इसमें कोई करंट नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर ये पोटेंशियल मान लीजिए एक्स है, तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा, एक्स होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर आई वन करंट इधर जा रहा है इस साइड से, यहाँ से आई वन करंट निकल रहा है और इसमें कोई करंट है नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट आई वन होगा। अरे, जो करंट यहाँ पे जाए तो वही करंट यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ का अगर करंट आई टू है, तो इधर से भी करंट कितना निकलेगा, आई टू निकलेगा। अरे बस हो गया, तो आइए देखते हैं कंडीशन व्हेन करंट इन रेजिस्टेंस टी इज जीरो, है ना। रेजिस्टेंस टी में जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन है। अब आइए इक्वेशन लिखते हैं इसका। अगर ये देखिए ये V है, तो यहाँ का एक पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, और पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। सर्किट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, V माइनस X इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस X इज इक्वल टू I1 इंटू में T, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V इंटू में IR, I की वैल्यू कितनी यहाँ पे I1 है इंटू में पी। और देखिए v माइनस एक्स से ये भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू आई टू इंटू में आर, आई टू इंटू में आर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक के लिए, देखिए पोटेंशियल यहाँ पे कितना मान लिया हमने, x मान लिया है, तो x और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई वन इंटू में क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आई टू इंटू में एस, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप बीच इक्वल टू आई आर, तो आई टू इंटू में एस। सपोज दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। ठीक, क्या करना है अपने को, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन मिलेगा, आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, आई टू से आई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस। This is the relation between the resistances P, Q, R, S such that the given Wheatstone bridge is a balanced Wheatstone bridge, है ना। ये condition होती है जबकि Wheatstone bridge क्या होगा, balanced होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये R1, R2, R3, R4 के टर्म में लिखा होता है, तो उससे हम लोग मैच कर सकते हैं। उसमें आता है R1 into में R3 is equals to R2 into में R4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P into में S is equals to R into में Q। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको नोट करिए, इस पर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, ये सर्किट दे रखा है और पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, ये 5 है और ये 3 है, और बीच में जो है वो है 20 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए सिंपल जो हम लोगों ने सीखा है उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर ये पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा, और यहाँ का भी क्या हो जाएगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, करंट भी नहीं पता है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेंगे कितना, एक्स, और यहाँ का पोटेंशियल भी अपने को नहीं पता है तो यहाँ का मान लेंगे वाई। ये देखिए, ये अगर बी है तो ये पॉइंट बी हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, अपने को जाना है ए से बी तक, तो पॉइंट बनाएंगे ए और दूसरा पॉइंट बनाएंगे बी। ठीक है, बीच में मिल रहा है एक्स और वाई, तो एक बना लेंगे एक्स और एक बना लेंगे वाई। ठीक है, तो देखिए ए से एक्स तक गए तो 10 ओम मिला, ए से एक्स तक गए 10 मिला। ठीक है, फिर एक्स से बी गए तो 6 मिला, एक्स से बी गए 6 ओम मिला। ठीक है, फिर ए से वाई गए तो 5 ओम मिला, ए से वाई गए 5 ओम मिला। ठीक है, फिर वाई से बी गए 3 ओम मिला, वाई से बी गए 3 ओम मिला। ठीक है, तो ये और एक्स से वाई गए तो 20 ओम मिला, एक्स से वाई गए 20 ओम मिला। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं ये कितना है, 3 है। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो ये देखिए 10 इंटू में 3, 10 इंटू में 3 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे देखिए 5 इंटू में 6 इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, 30, 5 इंटू में 6 ये भी 30 है। इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ सिस्टम है, पहली बात तो वो क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ऊपर से क्या है, ये देखिए बैलेंस्ड है। ठीक है ना, ऊपर से क्या है, बैलेंस है। ये जो 20 ओम है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और जब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो ब्रिज में जो करंट होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो करंट जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब क्या है कि ये सिंबल अपने को क्या मिल जाएगा, व्हीट स्टोन। बेसिकली अगर ठीक से हम बोले तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इस 20 ओम का कोई यूज है ही नहीं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने की वजह से ये जो बीच में 20 ओम है इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 10 और 6 सीरीज में 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 और 3 क्या है सीरीज में, हो जाएगा 8, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 8 अपॉन में 16 प्लस 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नोट करिए, वैल्यू आएगी 16/3 होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ना, ये सर्किट है, 5 रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंसेज नहीं होते, कनेक्टिंग वायर में ये जो रेजिस्टेंस लगा है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लगने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जा रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो ये पोटेंशियल ए होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, बट कितना होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू अपने को नहीं पता तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ का हमने मान लिया ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये पॉइंट बी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि क्या है, वाई। ठीक है, अब देखिए आर इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फाइंड करना है। तो अपन लिख लेंगे सबसे पहले ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो अपने को दो पॉइंट मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है और दूसरा वाई मिल रहा है। तो दो पॉइंट और बना लेंगे, एक बना लेंगे एक्स के लिए और एक बना लेंगे वाई के लिए। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले ए से एक्स तक गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, तो ए से एक्स गए एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है। फिर क्या किया, एक्स से वाई गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, तो एक्स से वाई जाइए, एक्स से वाई नीचे की तरफ, तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, ठीक है। उसके बाद वाई से बी गए तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, वाई से बी, वाई से बी गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है। ये तीनों कवर हो गए, ए से एक्स, एक्स से वाई, ठीक है, और वाई से बी, ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस कवर हो गए। अब देखिए ए से वाई जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, ए से वाई जा रहे हैं मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक नया रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, ठीक है, कवर हो गए। फिर एक्स से बी जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, एक्स से बी तो नया रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, एक वेट स्टोन ब्रिज है, उसके साथ साथ ये क्या है, बैलेंस्ड है, देखिए ना, आर इंटू में आर इज इक्वल टू आर इंटू में आर, आर इंटू में आर इज इक्वल टू आर इंटू में आर, ठीक है। इसका मतलब इसमें करंट क्या है, जीरो है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू जीरो है, तो ये बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है। तो ये जब नहीं रहेगा तो अपने को ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर और आर आपस में क्या है, सीरीज में, तो टू आर हो जाएगा, और सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा, टू आर सीरीज में है, और ये दोनों टू आर जो सीरीज में है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू आर और टू आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, आर, सॉल्व कर लीजिए, ये टू आर और ये टू आर, तो टू आर इंटू में टू आर अपॉन में टू आर प्लस टू आर, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर अपॉन में फोर आर, वैल्यू कितनी है आएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से सिंपल बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, इसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस लिखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुझे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये देखिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू में थ्री एटीन, और अपॉन में सिक्स प्लस थ्री नाइन, कितना हो जाएगा, एटीन बाई नाइन, दैट इज इक्वल टू टू ओम, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, टू ओम। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, तो 12 इंटू में 6 72 अपॉन में 12 प्लस 6 18 18 फोर जो 72 तो हो जाएगा कितना, ये 4 ओम, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया है, 12 इंटू में 6 अपॉन में 12 प्लस 6 ये किया है, इसका आंसर कितना है 4, और इसका आ गया 2। और इसको सिंप्लीफाई करने अगर हम लिखें तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं सर्किट को, रीअरेंज कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप बोल लें, है ना, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जिस नाम से बोलाओ सेम नाम है। तो इसको रीड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए और ये बचेगा यहाँ से, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया है 2 ओम, ये 4 ओम है, ठीक है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है और ये कितना है 4 ओम, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ से इसका पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ का अपने को पता नहीं तो एक्स मान लिया, यहाँ का भी नहीं पता तो वाई मान लिया, और ये पोटेंशियल कितना है बी। आइए बनाते हैं, ए से बी की तरफ चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, ठीक है, बीच में मिल रहा है दो पॉइंट एक्स और वाई, तो यहाँ बना लिया x और नीचे ही बना लिया y, तो a से x चल रहा है तो 2 ओम मिल रहा है, तो a से x चलिए 2 ओम मिला, ठीक है, फिर x से y गए 4 मिला, x से y गए 4 मिला, ठीक है, फिर y से b गए 4 मिला, y से b गए 4 मिला, उसके बाद x से b गए 4 मिला, x से b गए
फोर मिला, उसके बाद फिर ए से वाई गए टू मिला, ए से वाई गए टू मिला, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, फोर इन सॉरी टू इंटू में फोर दैट इज इक्वल्स टू एट, एंड सिमिलरली टू इंटू में फोर दैट इज इक्वल्स टू एट। इसका मतलब टू इंटू में फोर इज इक्वल्स टू एट इज इक्वल्स टू टू इंटू में फोर, मतलब ये जो सिस्टम है ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं आएगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये टू फोर और यहाँ पे टू फोर आपस में क्या है, पैरेलल में, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टू प्लस फोर दैट इज इक्वल टू सिक्स, टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स ओम का रेजिस्टेंस, दो सिक्स ओम के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना है, आइडिया आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज इक्वल टू थ्री ओम है ना, दो सिक्स ओम के रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, थ्री ओम, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना करके आपसे पूछ सकता है। तो सिंपल जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको पहले सिंपल बनाने की कोशिश करिए, और एक बार आपने उसको सिंपल बना लिया और उस तरीके में डाल लिया तो आपका सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल वे है, बहुत आसानी से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है, यहाँ का अपने को नहीं पता तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन क्या एक्स है, और यहाँ नहीं पता इसको लिख देंगे वाई है, ठीक है। ए और बी के क्रॉस चाहिए तो बना लेते हैं अपन ए और पॉइंट बी। जब ए पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो हमें दो मिल रहा है पॉइंट, एक एक्स मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है वाई, तो एक एक्स बना लेते हैं और एक बना लेते हैं वाई, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए से बी गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, तो ए से बी गए एक से चलिए चलते हैं ए से बी, ठीक है। उसके बाद एक्स से वाई गए, एक्स से वाई गए, ए से बी हम जा चुके हैं, एक्स से वाई गए तो अपने को एक रेजिस्टेंस मिला आर, ये आर है और एक और रेजिस्टेंस मिला आर, तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि ये आपस में कनेक्ट नहीं है, है ना। अगर कनेक्टेड होते तो स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ से जरा सा टिल्ट करके बनाते तो इसका मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको सीधे से अच्छे से दिखाने के लिए इसको हम लोग कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, चलिए ठीक है, एक्स से वाई चलते हैं, एक्स से वाई गए तो अपने को एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक है। फिर ए से एक्स जाइए तो ए से एक्स, ए से एक्स गए तो मिला आर, ए से, ठीक है। फिर वाई से बी चलिए तो एक मिल रहा है रेजिस्टेंस आर, वाई से बी गए एक रेजिस्टेंस मिला आर, ठीक। फिर बी से एक्स गए तो एक रेजिस्टेंस मिला आर, बी से एक्स आर। फिर ए से वाई गए तो एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। बचा क्या, ए से बी, ए से बी की तरफ गए तो देखिए इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं, ए से बी एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू जीरो है, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, तो इसमें इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अपने को दिख रहा है कि आर आर और ये आर आर आपस में क्या है, पैरेलल में, तो टू आर आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी आर, ठीक है। फिर इस टोटल का रिजल्टेंट कितना आ गया आर, तो आर और ये आर आपस में क्या है, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर और ये आर आपस में पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये स्टार प्रॉब्लम है, आ रही बात समझ में, नोट करिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड किसी भी तरीके से बना दे,
बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो इसको आप किसी भी वीटस्टोन ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके इसको ईजिली सॉल्व हो सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें आप सीरीज और पैरेलल पैरेलल ढूंढते ढूंढते बुड्ढे हो जाओगे, आपको मिलेगा नहीं क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करें कुछ स्पेशल वे होते हैं, यही है। आ रही बात समझ में? नोट करिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक सर्किट है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ये भी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ध्यान से देखिए इसको भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। देखिए 10 × 10 = 100 एंड 5 × 5 = 25। 100 इज नेवर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो दूसरा टाइप है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, इक्वेशंस बनते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है, बट फंडा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ का पोटेंशियल ए है तो ये ए होगा, ठीक है। यहाँ का अपने को नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स। यहाँ का अपने को नहीं पता, इसको मान लेते हैं वाई। दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है। ये पॉइंट पोटेंशियल बी होगा, यहाँ का पोटेंशियल बी होगा, है ना। चाहे तो आप जीरो लिखो, लेकिन ये बी है तो ये बी हो जाएगा, बी लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बी हो गया और यहाँ का जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। तो पॉइंट एक्स के लिए अगर हम लोग केसीएल लगाए, करंट लॉ लगाए, जंक्शन लॉ लगाए यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ लगाइए, तो मान लीजिए यहाँ पे करंट गया आई वन, इधर करंट गया आई टू और इधर करंट गया आई थ्री, ठीक है। और सबका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लिखते हैं सबसे पहले इसके लिए, तो x माइनस वी अपॉन में 10 प्लस, अब इसके लिखते हैं x माइनस वाई अपॉन में 2 प्लस x माइनस 0 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वी प्लस 5x माइनस 5y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करिए तो 5 × 2 = 7 = 8, 8x माइनस 5y, 8x माइनस 5y माइनस v इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशन को, ठीक है। ये x पॉइंट पे लगाया तो ये इक्वेशन मिला। अब वही चीज हम लोग किससे लिए अप्लाई करेंगे, पॉइंट y के लिए, ठीक है। तो जो y के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए करंट इधर मान लीजिए i1, इधर गया i2 और इधर गया i3, ठीक। लिखे तो y माइनस वी, वाई माइनस वी अपॉन में 5 प्लस y माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस y माइनस 0 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस 2v, 2y माइनस 2v प्लस 5y माइनस 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन वन, एंड इसको और सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2 × 5 = 7 = 8, 8y माइन प्लस 8y हो जाएगा ना, 5 × 2 = 8 और माइनस 5x माइनस 2v इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6v/13 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 7v/13, ठीक है। आ रही बात समझ में?
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अपने को पता चल गई। तो अगर यहाँ पे हम करंट बोले, देखिए आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होती है, वी बाई आई, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने इसको नाम दिया मान लीजिए आई वन और यहाँ पे करंट का नाम दिया आई टू, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट। तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी है 6V माइनस 13, ठीक है ना, 6V माइनस 13 माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी है 7V अपॉन में 13, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन प्लस आई टू, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा अपने को I की वैल्यू, तो R इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, और यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन ये जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ X ना, करंट निकालेंगे अपन, करंट निकालेंगे तो X माइनस जीरो अपॉन में 5, तो X माइनस जीरो अपॉन में 5 ये वैल्यू प्लस y माइनस जीरो, तो y की वैल्यू कितनी है 7v बाई 13 माइनस जीरो अपॉन में 10, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई 19v बाई 130, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट i, i की वैल्यू इतनी आ गई। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन में i, तो v अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है 19v बाई 130, ठीक है। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, 130 ऊपर से आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 130 अपॉन में 19 आंसर, ठीक है। तो करने का तरीका सेम है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, इसमें इक्वेशंस वगैरह बनते हैं उसको सॉल्व करना होता है। तो अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है, मेरी बात समझ में आ गई, चलिए नोट करिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेडर प्रॉब्लम। लेडर प्रॉब्लम क्या होता है, इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, कोई सीरीज होता है जो इनफाइनाइट तक चली जाती है, ठीक है, देख के लग रहा होगा कुछ सीरीज जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं लेडर प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका देख लीजिए। मैंने मान लिया कि पूरे ही सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू आर इक्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल सीरीज का जो इनफाइनाइट तक गया है उस सीरीज का पूरा इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है आर ई। अब अगर इसमें से मैं एक सेक्शन गायब कर दूँ, ये वाला सेक्शन अगर मैं हटा देता हूँ, तो देखिए वही सेक्शन रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के आगे तक का जो भी है, मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ से आगे तक का जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी सीरीज है, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी आर ई क्यू, है ना। अगर हम एक सेक्शन गायब करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि समुद्र से एक बूंद निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से जो इनफाइनाइट सीरीज है उसमें से मैंने एक सेक्शन को काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रहेगी आर इक्विवेलेंट के बराबर ही रहेगी। अब इस सीरीज को मैं फिर से आर ई क्यू, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं आर ई लिख दूँ क्या यहाँ पे, रिजल्टेंट आर ई, है ना। तो ये हो गया, तो अब इस सीरीज को मैं फिर से रीअरेंज करने जा रहा हूँ, रीस्ट्रक्चर करने जा रहा हूँ, फिर से बनाने जा रहा हूँ, देखिए कैसा बनेगा। पहला सेक्शन, ये दूसरा, ये आपका रेजिस्टेंस ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब ये टोटल का कितना हो गया, ये टोटल का इक्विवेलेंट कितना है आर ई है, और ये सारे का सारा आपस में क्या होगा, इसके पैरल इस वाले आर के पैरल में आ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा जिसकी वैल्यू आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये आर ई और ये आर आपस में पैरल में है और इसके साथ क्या है सीरीज में है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी, आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, ये पैरेलल में है, ये सीरीज में, सबसे पहले आर लिख लिया ये जो सीरीज में है, प्लस
पैरेलल में इसके साथ, तो आर इंटू में आर ई अपॉन में आर प्लस आर ई। आ रही बात समझ में? कंफ्यूज मत होइए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आर ई विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू में आर ई प्लस आर आर ई अपॉन में आर प्लस आर ई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी। आर आर ई प्लस आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस टू आर आर ई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी। आर ई स्क्वायर माइनस आर आर ई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मिलके बन के आ रही है, और इसको ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने का तरीका अपने को पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का ये अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन बी टू ए। वही फॉर्मूला, वही इसी वैल्यूज में, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखें सॉल्व करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ये वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सॉल्व करने का तरीका, ये फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, ये अपने को पता है, बचपन में पढ़ा था। ठीक है, उसी फॉर्मूले में रख करके सॉल्व किया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिए, इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है, डायगोनली इसको कनेक्ट किया गया है, सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें सीरीज और पैरेलल फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड में दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक होता है मिरर सिमेट्री और एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आइए देखते हैं कैसे करना है। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे कोई भी सेक्शन पे, हाफ सेक्शन पे मैं एक मिरर रख दूँ, तो ये दूसरे पार्ट वाले पार्ट पे क्या दिखाएगा, अगर मैं इसको बोलूँ, इसको कवर करूँ, तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट वाले का क्या है, मिरर इमेज है, या फिर फर्स्ट वाला सेकेंड वाले का क्या है, मिरर इमेज है। देखो ऐसे देख ले, अब चाहे ऐसे देखो, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन देखो चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। इसको सॉल्व क्या करना होता है, कैसे करना होता है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ए से मान लीजिए करंट निकल रहा है, इधर की तरफ जा रहा है आई, ठीक है, तो मिरर सिमेट्री ये कहता है कि अगर इसमें करंट आई है तो इस वाले भी सेक्शन में क्या है, आई होगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो इसके सिमेट्रिक है, या फिर ये वाला सेक्शन इसके सिमेट्रिक है, ये सेक्शन इसके सिमेट्रिक है और ये सेक्शन इसके सिमेट्रिक है। जो करंट इसमें होगा वो करंट इसमें होगा, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें होगा, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें होगा। अब करंट के बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इसमें जो करंट, मान लीजिए यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे करंट आई वन है, और इधर करंट जो गया वो आई टू है, तो अगर ये करंट आई वन है सिमेट्री के द्वारा, यहाँ पे करंट अगर आई वन होगा, यहाँ पे करंट अगर आई टू है, और यहाँ पे सिमेट्री की वजह से करंट आई टू होगा, तो देखिए अगर यहाँ से आई वन जा रहा है तो आई वन ही बाहर निकल रहा है, मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर कोई करंट नहीं है तो इसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा सेक्शन हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो करंट यहाँ पे गया वही करंट यहाँ से निकल गया, जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ पे निकल गया, और जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ से निकल गया।
मतलब इस वाले सेक्शन का, ये जो सी से डी की तरफ जो सेक्शन है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, इसको अपन गायब कर सकते हैं। तो हमने गायब किया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, नया वाला रेजिस्टेंस, नया सर्किट जो बन के आएगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल में। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। आर 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 आर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टू आर और ये टू आर, ठीक है। सारे के सारे क्या है, पैरेलल में। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ ठीक तो था, 2R/3 ये वैल्यू आएगी। तो फोल्ड, सॉरी मिरर सिमेट्री की हेल्प से देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फोल्डिंग सिमेट्री से। दिस इज व्हाट दिस वाज मिरर सिमेट्री, ये जो सॉल्यूशन दिया मैंने वो मिरर सिमेट्री का था, इसका नोट्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है, एक बार मैच करा लीजिएगा। ये मिरर सिमेट्री था, अब इसको मैं फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करने जा रहा हूँ। फोल्डिंग सिमेट्री से इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना होता है, बस ऊपर वाला पोर्शन देखिए, अगर ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, जिस पॉइंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल, सॉरी इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, उस पॉइंट के अबाउट अगर हमको सिमेट्रिक दिख रही है तो उसको फोल्ड कर लीजिए। मतलब पॉइंट सी को पॉइंट डी से कनेक्ट करा दीजिए। जब हम पॉइंट सी को पॉइंट डी से कनेक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो जो नया सर्किट बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट अपने को मिल जाएगा। ये पॉइंट सी और डी हो, पॉइंट सी और डी आपस में कनेक्ट होगा, तो इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। इस बार मैंने इसको सेपरेटली इस तरीके से इसलिए बनाया ताकि लास्ट लेक्चर में जो मैंने डायरेक्ट बना दिया था आपको वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे अलग से बना करके आपको दिखाया है कि जब हम इसको ऐसा करेंगे तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, ऊपर अपना आर इक्विवेलेंट बना रहेगा, मतलब आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा आर बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा आर बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ का रेशियो, तो यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। आर इक्विवेलेंट चाहिए अपने को ए से बी के क्रॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए और यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बी, और बीच में क्या है एक्स है और वाई है, तो बीच में लिख लेंगे एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई। ए से एक्स तक गए, ए से एक्स तक गए तो रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, तो ए से एक्स गए मिला आर, फिर एक्स से बी गए तो मिला आर, एक्स से बी गए तो मिला आर, ठीक। फिर ए से वाई गए, ए से वाई गए तो मिला आर बाई टू, ए से वाई गए तो मिला आर बाई टू, और वाई से बी गए तो भी मिला आर बाई टू, वाई से बी गए तो मिला आर बाई टू, ठीक है। और एक्स से वाई गए तो मिला आर बाई टू, एक्स से वाई गए तो मिला आर बाई टू, ठीक। अब इसको चेक करें, ये R इंटू में R बाई टू, और ये भी क्या है R इंटू में R बाई टू, मतलब ये क्या है बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज है, मतलब इसकी जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज होने की वजह से ये ब्रिज का जरूरत नहीं है। अब ये देखिए आपस में क्या है पैरेलल में, सॉरी ये R और आपस में क्या है सीरीज में, तो R प्लस R 2R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R बाई टू, R बाई टू सीरीज में है,
ऐड करेंगे तो आर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये होगा 2R और ये होगा R, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है। इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2R इंटू में R अपॉन में 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन में 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी 2R बाई 3, सॉरी 2R बाई 3 सेम वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो चाहे मिरर सिमेट्री से सॉल्व करिए, चाहे फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करिए, वैल्यू विल बी सेम इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तो ये दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होता है मिरर सिमेट्री और एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। सिमेट्री को टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे बट अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग रिविजन करिए, इसको अच्छे से नोट करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, कहीं पर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।